चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हुरम खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। AIMIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी खुद को हिंदुस्तानी सियासत की लैला कहते हैं और बाकी सियासी जमातों को मजनू। उनके हिसाब से वो ऐसी लैला हैं जिसका नाम हर पार्टी अपने मंच से लेती है, खासकर जब उनकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगता है तो वैसे यही मिसाल देते हैं। लेकिन मंगल को बागपत में किसान लीडर राकेश टिकैत ने ओवैसी को नया नाम दिया है, बीजेपी के चाचा जान। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यूपी के सीएम का अब्बा जान वाला जुमला भी इस वक्त सुर्खियों में है। सवाल उठता है कि क्या यूपी में चाचा जान और अब्बा जान के सहारे होगा मतदान? यूपी में 2022 को जीतने के लिए मुसलसल हर पार्टी जोर लगा रही है। इसके लिए सियासी पार्टी एक दूसरे में जुबानी जंग जारी है। यूपी में पहले की अब्बा जान को लेकर सियासत गर्म थी और अब चाचा जान की एंट्री ने आग में घी का काम किया है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताकर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। एक अवामी जलसे को खिताब करने के दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चाचा जान ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई मामला तक दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीमों के रुकन हैं। राकेश टिकैत आजकल किसान तहरीक को लेकर यूपी में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर किसानों को खिताब कर रहे हैं, इसी के लिए वो हापुड़ पहुंचे थे। चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। राजगार हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तोड़ हमारे जेब में है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। अपने आप को डालो, चमचों को नहीं। ये चमचों की लीडरशिप बर्बाद कर दी हमको। अरे चाचा जानी है बीजेपी का चाचा जान है भाई। चाचा उनका भतीजों का तो मेल रहे पूरा। हाँ चाचा जान है इनका तो। जरी कवानीन की मुखालिफत से शुरू हुआ टिकैत का एहतजाज अब सियासी जोड़तोड़ को साधने की कलाकारी की तरफ बढ़ रहा है। तभी तो टिकैत को यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के आने से दर्द हो रहा है। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान कह डाला और यहाँ तक कह दिया कि वो बीजेपी को जिताने के लिए ही यूपी आए हैं। जाट का तो इन्होंने निकाल लिया अभी, और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई। बीजेपी वाले को तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चाचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चाचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर लेके जाएगा, आ गया हो तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। जब से उत्तर प्रदेश में इंतखाब लड़ने का ऐलान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, तब से बीजेपी मुखालिफ जमातों के पेट में दर्द होने लगा है और इसे मुस्लिम वोटों की तकसीम की सियासत बताया जा रहा है। और अब तो किसान लीडर टिकैत भी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे,
वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। बी टीम कहे जाने पर ओवैसी कई बार जवाब दे चुके हैं और ये जवाब जरा टिकैत को भी सुन लेना चाहिए। हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाल्लाह। वोट कटवा कहे जाने पर अभी तक ओवैसी, कांग्रेस, अखिलेश यादव, मायावती को जवाब देते रहे हैं और लग रहा है कि अब हैदराबादी भाईजान से टिकैत को भी टका सा जवाब मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।